जय हिंद दोस्तों। इंसानों की इस भूलभुलैया में प्रकृति के वातावरण से फिर एक जीव का आगमन हुआ है जो है खतरनाक। तो हम भी दोस्तों हार मानने वालों में से नहीं है, चाहे वो सांप हो, शेर हो या जंगली अन्य जीव हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी टीम जीवों को बचाते हुए एक सुंदर से गांव में पहुंची है दोस्तों। ये भाई साहब आपका नाम पुनीत कुमार यदुवंशी। तो पुनीत कुमार यदुवंशी जी का हमारे पास फोन आया कि उनके यहाँ पे एक सांप निकला हुआ है। तो कहाँ पर है सांप, किस कंडीशन में है? आप बता रहे थे कि बाथरूम टैंक में गिर गया है, अभी नया बन रहा है। नया बन रहा है, कौन सा है? आप कोबरा बता रहे थे तो पहचान लिया आपने, क्लियर है? कैसे पहचाने? वो उसकी बॉडी शेप से। अरे क्या बात। चलो दोस्तों, ये तो अच्छा है कि अब जीव को देख करके इंसान पहचान ले रहे हैं। तो भाई साहब ने उसको पहचान लिया, तो अभी देखेंगे अपन चल के किस कंडीशन में है, कहाँ पर है। ये गांव का नाम है दोस्तों हिरदागढ़। हिरदागढ़ जी। तो यहाँ पे अभी काम चालू था तो रात को आया होगा। और सांप क्यों घुसता है घर के अंदर? सिर्फ चूहू के कारण, और उसी के चक्कर में वो आया। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कहाँ पर है सांप। ये है दोस्तों, और यदुवंशी जी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये कोबरा ही है, स्पेक्टिकल कोबरा। अभी दोस्तों साइज भी इसका बहुत छोटा है। अभी चलिए इसको निकालने का प्रयास करते हैं, पानी थोड़ा बहुत ही है अंदर। अभी सीढ़ी आ गई है, सीढ़ी लगाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, उसको पकड़ते हैं सावधानी के साथ। ऐसी कंडीशन बन जाती है, अंदर अंधेरा है तो इसको भी रख देते हैं। स्टिक आप हमको दीजिएगा, टॉर्च और है टॉर्च के दूसरा, जो थोड़ा लाइट अपने को फैला के दिख गया। एलईडी ले आओ भैया, एलईडी आप ले के निकाल के दे भैया ना, वो एलईडी ज्यादा बेहतर है। ये रूम में लगी है। ये इसको चालू करो, ये सब पानी पानी में रह करके वो भी स्वस्थ हो गया है। हां, 2 दिन हो गए हैं दोस्तों लगभग। ये यहां पर गिरा हुआ है, आइए ना भैया इधर हो गया। अब हम नीचे जाते हैं तो आप हमको थोड़ा ऊपर से लाइट दिखाएंगे, बांध दे ताकि नीचे तक अपन लटका सके बल्ब। ऐसे दबा के रख देखना, पकड़ के रखना भी है, ऐसे दबा के रखना। टॉर्च दीजिए, ये टॉर्च वाला लो, स्टिक दीजिए, स्टिक नीचे बैठ जाओ, थोड़ा नीचे झुक जाओ, स्टिक दीजिए, ये लीजिए। अभी निकाल लेने दो, सबको दर्शन करा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखिए, अभी तो इसको ऊपर लेकर के आते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये पकड़िए, डब्बा दीजिए, डब्बा दो भैया, वो डब्बा डब्बा कहाँ रखा? डब्बा दे प्लास्टिक, उसमें होल करेगी नहीं अभी, वो कल जरूरत नहीं है, कर मार दो उसमें होल। अभी ढक्कन ढक्कन तो ठीक है, इम्पोर्टेंट ये
इसके अंदर पानी नहीं है दोस्तों ज्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है। पकड़िए आइए आइए, उसको दे दो, लाओ ना दे, पकड़ लीजिए पहले। इतने हो रहा, पकड़ लीजिए, बैक है ना यार, ऊपर ढक्कन पकड़ के रखो, ले जा ले जा, कुछ नहीं हो रहा ना, अरे हाथ से छूट जाएगा ढक्कन। ये ढक्कन टाइट है कि नहीं रे? ये टाइट है, टाइट है, टाइट। उसको क्या बोले तो एयर के लिए वो करना पड़ेगा यार, एक चूजा टाइप की चीज दो जरा, पहले चूजा दे दो जल्दी से, वो एयर नहीं जा रही उसमें। ये देखिए दोस्तों, दूर से देखा तो ऐसा लगा बिल्कुल कोबरा था, लेकिन ये कोबरा नहीं है, ये है वाटर स्नेक, जिसे चेकर्ड गिलबैक स्नेक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में नाम है दोस्तों उसका। ये टोटली नॉन वेनमस स्नेक है, लेकिन ये हूबहू दिखता भी कोबरे के जैसा है, और जो फन उठाता है ये चौड़ा कर लेता है अपने आप को काफी हद तक के। तो ऐसा ही लगा हमें भी, देखिए वहां पे अंधेरा भी था, हमको भी यही लगा कोबरा है। सावधानी के साथ ही जाना है, वो पनियल हो, कोबरा हो, या कोई भी स्नेक हो, सतर्कता, जहरीले सांप ही समझना है सारे सांपों को, जब तक कि आप क्लियर ना हो, और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। ये तो कभी ये भी हो जाता है कि दिखता है वाटर स्नेक है और पास में जाते हैं तो कोबरा फन फैलाता है, फिर ये अगर बाइट करता भी है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है, ना मुंह में होता है और ना ही पूंछ में होता है। काफी हद तक के ये अपने जो हुड है, जो मुंह के पीछे वाला जो गर्दन है, ये इतना लंबा, इतनी दूरी तक के मुंह से चौड़ा कर सकता है, और काफी हद तक के चौड़ा करता है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको वीडियो में भी बता देंगे और कमेंट के माध्यम से भी रिप्लाई कर देंगे। फिर मिलते हैं, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए पौधे जरूर लगाएं, बारिश चालू होने वाली है, वैसे तो पूरा साल ही बारिश से जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।